हेलो एवरीवन, आज हम इंग्लिश की वर्कशीट 116 करेंगे। 24 नवंबर की क्लास 4th की हेलेन केलर चैप्टर की। तो आपको सबसे पहले लाइन पढ़नी है हेलेन केलर की। शी वॉज ऑफ्टन एंग्री, समटाइम्स शी इवन ले ऑन द फ्लोर एंड किक्ड हर फीट। जो हेलेन केलर थी उन्हें कभी कभी गुस्सा आ जाता था, और वो गुस्से में क्या करती थी, वो फ्लोर पे लेट जाती थी और अपने पैर को गुस्से में मारती थी। समटाइम्स जब वो एंग्री होती थी और फ्रस्ट्रेटेड होती थी, तो वो एक ऐसे मैनर में बिहेव करती थी अपने, जो उसके लोग थे, उसकी फैमिली मेंबर्स थे, लव्ड वंस थे, उनको भी नुकसान पहुंचा देती थी। तो वी फील सैड। तो हमको जब हमारा एंगर होता है तो हम किसी को भी मार देते हैं, पर बाद में हमें दुख होता है। तो इसी तरह से कुछ बिहेवियर्स आपको दिए हैं जिनसे आप अपने एंगर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपको यस और नो लिखना है। तो यहाँ पे हम यस के लिए क्या बनाएंगे, ये टिक, और नो के लिए क्रॉस बनाते हुए करते हैं। तो आई कैन गो फॉर अ वॉक, मुझे वॉक के लिए जाना चाहिए, इससे गुस्सा शांत होता है। हाँ। टेक डीप ब्रीथ एंड काउंट टिल 10, हमें एक गहरी सांस लेके 10 तक गिनती करनी चाहिए, यस। शाउट एंड स्क्रीम, जब हमें गुस्सा है तो हमें चिल्लाना चाहिए, इससे गुस्सा कंट्रोल होता है, नहीं कभी भी नहीं हो सकता। ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर, हमें एक गिलास पानी पीना चाहिए जब हमें गुस्सा है तो, हाँ। थ्रो ऑब्जेक्ट, सामान फेंकने चाहिए, नो। तो बच्चों आप इस तरह से वर्कशीट करेंगे। अब हम मिलेंगे अगली वर्कशीट्स के संग, तब तक के लिए बाय। चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।